हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से नई रेसिपी में। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मावा पेड़ा। तो मावा पेड़ा आप भी अपने घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मावा पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध ले लेना है। यहाँ पे मैंने दूध लिया है बफेलो मिल्क, तो बफेलो मिल्क हमने लिया है, एक किलो दूध हमने ले लिया है। और उसके बाद में इसको हमने लगातार चलाते हुए दूध को उबाल लेना है। तो जब तक के लिए दूध हमारा उबल रहा है तब तक आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जब आपका दूध उबल जाए उसके बाद में हमने इसमें शुगर ऐड करना है। तो ये देखिएगा, इस दूध हमारा उबल चुका है और आप देख सकते हैं कि दूध हमारा उबल रहा है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, हलवाई जितना यूज़ करते हैं उतना ही हम इसमें यूज़ करेंगे शुगर। तो 1 लीटर दूध में हलवाई यूज़ करते 80 ग्राम शुगर, तो 80 ग्राम ही हमने इसमें शुगर डाला है। तो 80 ग्राम हमने शुगर डाला, उसके बाद में इसको लगातार चलाते हुए करीब 15 से 20 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और उसके बाद ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, यानी कि जितना हमने दूध ऐड किया था उसका हाफ हो चुका है, यानी उसका आधा हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो अभी भी इसको हमने पकाते रहना है और लगातार चलाते रहना है, क्योंकि मेरे पास स्टील की कढ़ाई है। तो स्टील की कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा जलता है और जल्दी से चिपक जाता है, इसलिए जल भी जाता है। और उसके बाद में ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अभी भी हमने इसे पकाते रहना है और लगातार ही चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले ना, और इसको लगातार चलाते रहना है। और करीब 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका जो थिकनेस है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ये मावा हमारा बन के रेडी हो चुका है। और मावा हमारा बन चुका है, तो अब हम इसे यहीं पे हमने गैस का फ्लेम बंद कर लेना है। और ये देखिए, गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे बंद कर लिया और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद में इसे हमने रख देना है ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, इसको हमने रख दिया है ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मावा बिल्कुल हो चुका है। मावा को हमने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिकनेस और काफ़ी बढ़िया हमारा जो खोया है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद में हमने छोटे छोटे से बॉल्स तोड़ लेने हैं, जितने बड़े साइज़ में आपको पेड़ा बनाना है, या फिर आप कोई और भी डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। क्लीन बॉल बना के आप कोई भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल क्लीन बॉल बना लेना है। उसके बाद में इस तरीके से हमने उंगली से इसके ऊपर प्रेस कर देना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको उंगली के ऊपर प्रेस कर दिया है। तो ये हमारा पेड़ा जो है ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले हमने क्लीन बॉल बनाना है, और ये देखिए क्लीन बॉल हमारा बन चुका है। उसके बाद में हमने अंगूठे की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करके नीचे रख देना है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे सभी पेड़े जो हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे हमने बारीक पिस्ता काट के रखा है, तो बारीक पिस्ते से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो ये देखिए, पिस्ता एक एक पीस हमने इसके बीच में रखना है, और इसकी लुक बहुत ही बढ़िया और इसका डिज़ाइन बन के बिल्कुल निकल जाएगा। जो हमने मार्केट की, क्योंकि मैं अपने शॉप के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल, मैंने उसके बाद में मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया हमारा पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना बढ़िया पेड़ा हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो पेड़ा हमारा बन चुका है। तो पेड़े की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी और रेसिपी में। थैंक यू सो मच गाइस।